हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर सेकंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स लाए जाए, तो एक नंबर से भी 100 ऑफ 100 रुक जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और ये चैप्टर 8 से 10 नंबर के एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है। और ये चैप्टर करने से पहले, ठीक है, हमें कुछ 11th क्लास के कंसेप्ट पता होने चाहिए। 11th, जैसे कि 11th क्लास में फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ये दो चैप्टर के कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो इस चैप्टर को करने से पहले बच्चों, आप 11th क्लास के चैप्टर सेकेंड और थर्ड उसको खोल करके एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले आता है आपके पास ये वर्ड लिखा है फंक्शन। सबसे पहले होता है फंक्शन के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे कि आप लिखते हो बच्चों, अब आपको पता होना चाहिए फंक्शन होता क्या है। फंक्शन एक रिलेशन के ऊपर ही होता है। वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, वो रिलेशन कैसा होना चाहिए बच्चों, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शंस। स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है बच्चों। अब रिलेशन के बारे में मैंने आपको 11th क्लास में बता रखा है। रिलेशन बनते कैसे हैं, कोई भी रिलेशन होता है वहां एक वर्ड आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आता है बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब वो रिलेशन बनते कैसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में मैंने 11th क्लास में बता रखा है। जैसे कि मान लो कोई भी दो सेट दिया हो, तो जैसे ले लिया हमने क्या 1 2, और बी में ले लिया हमने ए बी। अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी निकालना, जो आपने 11th क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है बच्चों। तो कैसे निकालते थे, जैसे 1 a 1 b 2 a 2 b, ठीक है। ये होता हमारे पास क्या रिलेशन, ये चारों के चारों हमारे जो ऑर्डर पेयर में लिख दिया हमारे पास, ये ऑर्डर पेयर होता है हमारे पास, ये ब्रैकेट के अंदर लिखना क्या कहलाता है वो, अभी सेट के अंदर लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या एक रिलेशन है, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या है हमारे पास, बट फंक्शन उसको कहते हैं जो कुछ अलग टाइप का रिलेशन होता है। इसलिए लिखा है कि स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। जो स्पेशल टाइप्स के रिलेशन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चों। फंक्शन के रिलेशन के लिए हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही अकॉर्डिंग में जितने भी रिलेशन होते हैं सब निकाला जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, अब ये फंक्शन है, फंक्शन को डिनोट किससे करते हैं, जनरली डिनोटेड बाय एफ इनवर्स एंड इट एग्जिस्ट। कहने का मतलब जो इनवर्स हमारे पर देखा एफ इनवर्स, ये एग्जिस्ट कब करेगा, कब हम कह सकते हैं कि फंक्शन है, किसी भी फंक्शन का जो फंक्शन है वो हमारे पास इनवर्स इनवर्स में कन्वर्ट होगा कैसे। अब जो ये फंक्शन हमारे पास है, अगर हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है, तब यहां से हमारे पास क्या होना चाहिए था, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर वो 1 1 और ऑन टू बनता है फंक्शन, अगर वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, तब उस फंक्शन को आप कह सकते हो कि वही इन्वर्टिबल फंक्शन है या इनवर्स फंक्शन है। अब देखो बच्चों, जो फंक्शन हमारे पास 1 1 है एंड ऑन टू है, इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, बाइजेक्टिव। अब जो फंक्शन 1 1 होता है और ऑन टू होता है, उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव
फंक्शन कहते हैं। अब यहां से देखो बाइजेक्टिव फंक्शन तो क्या, बट हमारे पास फंक्शन का टॉपिक है हमारे पास है, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, वहां से मैं इसको बता रहा हूं ये वन वन और ऑन टू होते क्या चीज है, ठीक है बच्चों। अभी बाइजेक्टिव फंक्शन, अब हमारे पास जो फंक्शन इनवर्टिबल यहां लिखा बच्चों, जो फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन होते हैं वो इनवर्स फंक्शन होते हैं, जो फंक्शन इनवर्टिबल होते हैं वही फंक्शन क्या कहलाते हैं हमारे पास है, इनवर्स फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन को ही हम बोलते हैं हम इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्टिबल प्रूफ करने के लिए कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन इनवर्टिबल है, तो इनवर्टिबल प्रूफ करने के लिए फर्स्ट चैप्टर में किया है बच्चों, गोफ एफ एक्स इजिकल टू में फोग जी एक्स, अगर ये दोनों के दोनों फंक्शन इक्वल आते हैं तब आप यहां से कह सकते हो कि क्या एफ एक्स इनवर्स फंक्शन, जो इनवर्टिबल फंक्शन होगा वही हमारे पास क्या बनेगा, इनवर्स फंक्शन। और ये गोफ और फोग हमारे पास इक्वल कब आएंगे, ये एग्जिस्ट कब करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहां से आप देखो इस वाले फंक्शन का अगर मैं डोमेन लेता हूं, यानी कि डोमेन डोमेन ऑफ जी इजिकल टू रेंज ऑफ एफ, या फिर डोमेन ऑफ एफ इजिकल टू रेंज ऑफ जी, अगर ये दोनों इक्वल है तब यहां आप कह सकते हो एफ इज, देखना फंक्शन जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ, कहने को तब यहां जी फंक्शन को बोल सकते हो एफ का इनवर्स है, ठीक है। तो आप इसको कैसे डिनोट कर सकते थे, जी इनवर्स एफ, यानी कि ये जी इनवर्स है किस फंक्शन का, एफ का, यानी कि जी फंक्शन जो हमारे पास किसका है, एफ का इनवर्स है, जी हमारे पास क्या है, जी फंक्शन है एफ, एफ फंक्शन एफ जो देखो उसका इनवर्स है, ठीक है बच्चों। अब ये चीज तो आगे हमारे पास है बेसिक चीज है कि फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, अब हम मेन चीज आते हैं अपने टॉपिक पे, अब यहां से आता बच्चों, अब आता है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है बच्चों, जैसे साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कोट एक्स कोसेक एक्स सेक एक्स, ये छह फंक्शन होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहलाते हैं, जो आपने 11th क्लास में भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। बट हमें पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो इसी फंक्शन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स, तो ये फंक्शन क्या लाएगा हमारे पास, इनवर्स फंक्शन। एक बात यहां ध्यान रखना बच्चों नोट में, अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स को आप ये नहीं लिख सकते हो साइन एक्स का होल पावर माइनस वन, ये कभी नहीं लिख सकते, साइन इनवर्स एक्स को आप इसके फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए कहा जाता है हमारे पास बच्चों साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू वन अपॉन में साइन एक्स, ये कभी भी हमारे पास का इक्वल नहीं आते, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को साइन एक्स का होल पावर इनवर्स में नहीं कर सकते, ये फंक्शन हमारे पास क्या इनवर्स फंक्शन नहीं कहलाएगा फिर यहां से, ठीक है। इनवर्स के लिए हमारे पास जो ये दे रखा है साइन इसके पावर होना चाहिए एक्स, एंगल के बाहर नहीं होना चाहिए, एंगल के बाद जस्ट साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन है साइन के पावर ही माइनस वन चाहिए हमारे पास, एंगल का फंक्शन कहलाता है एंगल में जो होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको होल पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब यहां से आता है डोमेन और रेंज के बारे में, आपको पहली बता रखा है बच्चों 11th क्लास में, अब देखो ध्यान से यहां से, यहां से एक टेबल दे रखा है फंक्शन के लिए, ये वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, अगर देखो ध्यान से ये एक मिनट, अब इनवर्स फंक्शन के लिए जैसे मैंने कोई फंक्शन ले लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया था ना साइन वाई इक्वल टू एक्स मैंने ले लिया यहां पर, ठीक है। अब यहां से इनवर्स में कन्वर्ट करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं वाई इजिकल टू में साइन इनवर्स एक्स,
इधर का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इधर जाता है तो इनवर्स फंक्शन में बदल जाता है, इनवर्स कहलाता है, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फंक्शन को हम क्या कर देंगे यहाँ से, साइन वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये होगा हमारे पास क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो ये y इक्वल टू साइन इनवर्स है ऐसे 6 के 6, तो यहां से कुछ वैल्यू दे रखा है हमारे टेबल, अगर फंक्शन हमारे पास है साइन इनवर्स x का होगा तो इसके डोमेन और रेंज क्या होता है, डोमेन तो हमारे पास हमेशा रियल वैल्यू में जाती है, रियल नंबर्स में जाते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स की डोमेन आती है हमारे पास माइनस वन और वन के बीच में ही आना चाहिए, माइनस वन और वन भी हो सकता है, बट यहाँ पर रेंज होता है हमारे पास ये पाई के फॉर्म में, पाई के फॉर्म यानी कि रेडियन के फॉर्म में। यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चों, रेंज के बारे में कि रेंज होता है क्या हमारे पास है। आपने 11th क्लास के टॉपिक उठा दो यहाँ से, वहां पढ़ा हुआ यहाँ पे बच्चों देखो, डिग्री मेजरमेंट कन्वर्ट इनटू रेडियन मेजरमेंट, जैसे इसका फॉर्मूला था हमने पढ़ा था पाई अपॉन में 180 इनटू में डिग्री, यही पढ़ा था ना। अगर यहां पे आपके डिग्री कितनी भी दिया हो, जैसे 30 डिग्री दिया हो, अगर यहां डिग्री 30 डिग्री दे रखा है तो एक जीरो से एक जीरो काट दो 6, यानी कि पाई बाई 6, ये वैल्यू जो मिली पाई बाय सिक्स, ठीक है, ये कहलाई जाती रेंज। और रेंज हमेशा क्या होता है हमारे पास है, रेडियन के फॉर्म में ही आता है, पाई के फॉर्म में कोई वैल्यू होता है, पाई बाय टू, पाई बाय थ्री, ऐसे ही आप 30 डिग्री लिख लो, कुछ भी रख दो यहाँ पे वैल्यू डिग्री का, 30 रख लो, 60 रख लो, 40 रख लो, 90 कुछ भी रख लो, हमारे पास जो वैल्यू यहां से सोल्व करने के बाद आएगा पाई के फॉर्म में ही आएगा। किसके फॉर्म में आएगा आंसर, यहाँ पे पाई के फॉर्म में। तो पाई के फॉर्म में जो वैल्यू आती है हमारे पास है, उस वैल्यू को हम कहते हैं रेंज, ठीक है। और रेंज जितने वैल्यू मिलेंगे सभी के पाई के फॉर्म में मिलेंगे। ऐसे हमारे पास है कोस इनवर्स एक्स के लिए देखना है, तो कोस इनवर्स एक्स के फंक्शन के लिए डोमेन की वैल्यू होगी माइनस वन से वन, और रेंज क्या आना चाहिए जीरो से पाई। कहने का मतलब है हमारे पास क्या, कोस इनवर्स फंक्शन का कोई भी वैल्यू अगर रेंज में निकालते हो, ठीक है, तो उसकी रेंज क्या आना चाहिए हमारे पास, जीरो से पाई के बीच में आना चाहिए, यानी कि जीरो डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में ही आना चाहिए। इसी प्रकार से टेन के लिए, कोट के लिए, सेक के लिए टेबल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से आता है आपके लिए बच्चों, ठीक है, मेन चीज आता है आपके पास यहां से बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू, क्या था बच्चों यहां से, प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू जो वैल्यू हमारे पास रेंज में निकल के आती है उसी रेंज वाले वैल्यू को ही बोलते हैं हम क्या, प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पाई के फॉर्म में आंसर लाना, कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा, वो प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में थर्ड चैप्टर क्लास 11th में भी अपने वहां पढ़ रखा जनरल सोल्यूशन प्रिंसिपल वैल्यू, वहां भी दिया हुआ था, ठीक है। तो वहां से जो वैल्यू हम निकालते थे रेंज के फॉर्म में, यानी कि पाई के फॉर्म में, वही वैल्यू क्या कहलाती है हमारे पास क्या, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है बच्चों। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास देखो यहां लेता हूं, हमने निकाला जैसे कि साइन इनवर्स 30 डिग्री। अब साइन इनवर्स 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या करना है, प्रिंसिपल में कन्वर्ट करना है, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो इसकी वैल्यू को जैसे पाई बाई 4 में निकाल सकते हो, 45 में निकाल सकते हो, जो भी निकाल सकते हो, फिर यहाँ पर जो वैल्यू दी होती थी हमारे पास क्या, जैसे 1/2 या 1/√2 इस तरीके से वैल्यू, फिर 10 इस तरीके से वैल्यू दी, उस तरीके से निकालना क्या मिलेगा हमारे पास है, इन्हीं वैल्यू को क्या करना है हमारे पास है पाई, यानी कि रेंज में निकालना है, वो कहलाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे कि जैसे 10th क्लास में टेबल आपने पढ़ा होगा, मैं टेबल बना देता हूँ यहाँ पे, एक बार टेबल बता दो बना आता कैसे बनाना, ठीक है बच्चों। जैसे देखो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब क्या करना होता, सबको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसको रूट सोल्व कर दो, ठीक है, सोल्व करो तो इसके आ गया 0, इसका आ गया 1/2, यहां से 1/√2, यहां से कट गया 2 बचेगा, यहां उतर गया बच्चों 3/2, यहां कैंसिल हो गया, आ गया 1। अब ये जो वैल्यू निकलती है यहां पे
अगर आप इसको टेबल में कन्वर्ट करोगे वैल्यू को बच्चों, देखो जीरो डिग्री, थर्टी, फोर्टी फाइव, सिक्सटी और नाइन्टी, ये हमारे पास क्या है थीटा का वेरिएंट, क्या होता जाएगा साइन थीटा। अगर जीरो डिग्री पे जाए जीरो, वन बाय टू, वन बाय रूट टू, रूट थ्री बाय टू, वन, सबसे पहले जो टेबल निकल गया तो साइन का निकल के आता है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से आपको कोस का लेना है, कोस थीटा का, इसका उल्टा कर दो यहां से, वन रूट थ्री बाय टू, वन बाय रूट टू, वन बाय टू, जीरो। अब निकालना टेन का, टेन थीटा का, तो डिवाइड कर दो, टेन थीटा होता क्या है साइन बटा कोस, ठीक है। तो जीरो अपॉन में वन, जीरो, वन बाय टू अपॉन में रूट थ्री बाय टू, से टू कैंसिल हो जाएगा, वन बाय रूट थ्री, यहां से कैंसिल हो गया वन, यहाँ टू से टू कैंसिल हो गया रूट थ्री, यहाँ वन बाय जीरो इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐसे कोट का निकालना बच्चों, तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से इन्फिनिटी रूट थ्री वन, वन बाय रूट थ्री, यहाँ पे जीरो, इसको उल्टा कर दे जाओ। ऐसे अब निकालना बच्चों सेक का निकालना है, सेक थीटा का, तो कोस का उल्टा, जब वन का उल्टा करोगे तो वन आएगा, इसका उल्टा कर दो टू अपॉन में रूट थ्री, इसका उल्टा कर दो रूट टू, इसका उल्टा कर दो टू, इसका उल्टा करोगे तो आ जाएगा इन्फिनिटी। अब निकालना कोसेक का, तो इसका उल्टा कर दो बच्चों यहाँ से, इन्फिनिटी टू रूट टू, टू बाय रूट थ्री, यहाँ वन, ये बन गया टेबल आपका बच्चों, टेंथ क्लास में बनाया था, नोट कर लेना इसको, ठीक है। अब आते हैं हम क्या प्रिंसिपल वैल्यू की तरफ, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, जैसे कि वैल्यू हमारे पास निकला, जैसे ले लिया हमने क्या साइन इनवर्स जीरो, या फिर साइन इनवर्स वन बाय टू, साइन इनवर्स वन बाय रूट टू, साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू, वन, इस तरीके से कोई भी वैल्यू दिया, साइन के फॉर्म में दिया, कोस के, टेन के, किसी के फॉर्म में भी आप ले सकते हो। तो अब यहां से हम प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं, देखो बच्चों, ठीक है। अब मैं एक सम लेता हूं यहां से बच्चों, साइन इनवर्स वन बाय टू, अब साइन इनवर्स वन बाय टू की वैल्यू हमें क्या करना है, इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने जाहिर से बात है क्या निकालना है हमारे पास, रेंज के फॉर्म में, पाई के फॉर्म में निकालना है। तब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले कैसे क्या करते हैं यहाँ पे, लेट जो दिया हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको आप क्या मान लो, लेट थीटा ले लो, वाई ले लो, कुछ भी लेट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब यहां से लेट थीटा इक्वल टू क्या ले लिया हमने, साइन इनवर्स वन बाय टू, ठीक है, या फिर ये इक्वल टू थीटा, कुछ भी कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। यहां से ये ले लिया, अब मैंने पहली बता रखा था यहां पे साइन वाई इक्वल टू एक्स, तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, इधर जो फंक्शन जाता है हमारे पास त्रिकोणों का, उधर जाके इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां दे रखा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाय टू, अब यहां इनवर्स का फंक्शन ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये एंगल में बन जाएगा साइन थीटा, यहां बच गया वन बाय टू, क्लियर बच्चों। अब यहां हमारे पास क्या ये साइन थीटा, अब देखो वन बाय टू, वन बाय टू साइन में कितने डिग्री पे आता था हमारे पास है, थर्टी डिग्री पे, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गया बच्चों हमारे पास है साइन थर्टी डिग्री, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गया साइन थर्टी डिग्री की वैल्यू। अब हमारे पास क्या है, इसको रेडियन में चेंज करना है, तो यहाँ डिग्री दे रखा है, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला बताया था, पाई अपॉन में वन एटी इंटू में डिग्री, तो पाई अपॉन में वन एटी इंटू में डिग्री कितना दे रखा है, 30 है, यहां लिख दो, काट दो कितना 6 पे गया, यानी कि पाई बाई 60। नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा बच्चों, हमें साइन थीटा इज इक्वल टू में साइन पाई बाई 6, क्योंकि 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती रही उसमें पाई बाई 6। अब यहां से थीटा इज इक्वल टू, अभी दोबारा से फंक्शन इधर आएगा तो क्या बचेगा इनवर्स में, और यहां उतर जाएगा साइन पाई बाई 6। अब यहां एक रूल होता है बच्चों, यहां से साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू में ठीक है या गलत है चेक करना है। तो ये थीटा की वैल्यू जो भी यहां निकलेगा, अगर इसकी वैल्यू रेंज के अंदर बिलोंग करता है तब तो ये हमारे पास साइन इनवर्स वन बाय टू की प्रिंसिपल वैल्यू सही है, अगर उस रेंज के अंदर बिलोंग नहीं करता है तो ये गलत है, ठीक है। फिर उसको क्या करना, उसमें हमें बिलोंग करना पड़ता है, चाहे पाई में ऐड करो या पाई में से लेस करो, ये कंडीशन होता है हमारे पास के लिए, बट साइन के लिए, टेन के लिए और
कोसेक के लिए ऐसा कुछ रूल नहीं है हमारे पास, जो वैल्यू मिलेगा उसी के बीच में ही लाई करना चाहिए रेंज में, ठीक है बच्चों। अब देखो ये पाई बाई सिक्स बिलोंग्स टू, अब साइन इनवर्स के लिए था, साइन इनवर्स के फंक्शन के लिए रेंज हमारे पास ये रहा, क्या इसमें ये वैल्यू मैच कर रहा है नहीं, कि देखो माइनस के पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में बिलोंग करता नहीं करता। अब देखो ये वैल्यू दे रखा है, यानी कि कहने का मतलब एक लाइन पे अगर शो करोगे इसको तो यहाँ जीरो यहाँ उतर जाएगा पाई बाई सिक्स, पाई बाई फोर, ठीक है, पाई बाई थ्री, पाई बाई टू, कहने का मतलब है 30 डिग्री, 45, 60 और ये 90। इधर लोग बच्चे वही सेम, माइनस के 30, माइनस के 45, माइनस के 60 डिग्री, माइनस के 90 डिग्री, तो सेम उत्तर जाएगा सर, माइनस के पाई बाई सिक्स, माइनस के पाई बाई फोर, माइनस के पाई बाई थ्री और माइनस के पाई बाई टू। अब ये वैल्यू देखो पाई बाई सिक्स है, कहने का मतलब है माइनस पाई बाई टू और ये प्लस पाई बाई टू, क्या इन दोनों के बीच में ये वैल्यू है हमारे पास है, देखो पाई बाई सिक्स है ना, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है कि बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में, तो ये हमारे पास क्या आंसर ये करेक्ट है। अब इसको एक लाइन लिखना हो लास्ट में, उस लाइन को यहां लिख देना बच्चों, ठीक है, क्या लिखना होता है, द प्रिंसिपल वैल्यू, लिखना द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स वन बाय टू इज पाई बाई सिक्स, ये लिखना होता है एक लाइन लास्ट में, क्लियर, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, ऐसे ही अब साइन इनवर्स के लिए ले लिया बच्चों, ठीक है, अगर यही हमारे पास बच्चों यहां पे है साइन इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू आता, चाहे प्लस में है चाहे माइनस में है, तो देखो सेम क्या करना था बच्चों यहां पे, लेट साइन इनवर्स सॉरी थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू। अब ये इनवर्स फंक्शन इधर क्या बन गया, साइन थीटा, यहां उतर के माइनस के वन बाई रूट टू साइन थीटा, ठीक बच्चों। अब ये वन बाय रूट टू 45 डिग्री पे, यानी कि साइन माइनस के 45 डिग्री, फिर यहाँ उतर बच्चों साइन और माइनस 45 डिग्री, यानी कि माइनस के पाई बाई फोर, यहां से कन्वर्ट कर लेना बच्चों, यहां रख लेना डिग्री, 45 डिग्री वैल्यू रख करके, ठीक है, साइन थीटा, और यहाँ थीटा इज इक्वल टू बच्चों साइन इनवर्स साइन माइनस के पाई बाई फोर, अब देखो यहां जाएगा माइनस के पाई बाई फोर, ठीक है, क्लियर, बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ये वैल्यू बिलोंग करता है। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स लिखना है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स वन बाई रूट टू इज माइनस के पाई बाई फोर, क्लियर बच्चों। अब देखो ये हो गया हमारे पास क्या साइन के लिए, फाइन नोट कुछ बातें ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, साइन इनवर्स टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स, ये तीन चीजों के लिए, साइन टेन और कोसेक इनवर्स, अगर वैल्यू यहां पे प्लस में दे रखा है एंगल में वैल्यू प्लस में, तो प्लस में यहां पे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर माइनस में दे रखा है तो माइनस में सिंपल ऐसे ही उतर जाएगा, चाहे वो टेन के लिए हो चाहे कोसेक के लिए हो, सेम तीनों के तीनों कंडीशन, दो कंडीशन है, एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए निकाल दिया और नेगेटिव के लिए निकाल दिया, तो टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के लिए सेम कंडीशन है। अब आ जाते हैं यहां से बच्चों, देखो प्लस की कंडीशन के लिए, अगर यहां प्लस में दिया होता तो प्लस वाली कंडीशन के लिए छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, इन छह के छह के लिए हमारे पास के सेम कंडीशन है। बट कुछ कुछ कंडीशन आता है, जैसे यहाँ पे जैसे वैल्यू नेगेटिव एंगल में नेगेटिव वैल्यू दिया हो किस फंक्शन के लिए, देखो बताता हूं बच्चों यहाँ पे, जैसे यहां पे बच्चों कोस इनवर्स के लिए, कोट इनवर्स के लिए और सेक इनवर्स के, तीन फंक्शन है, ठीक है, इसके लिए जैसे कि मान लो देखो कोस इनवर्स
वन बाय टू की वैल्यू निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखो ध्यान से बच्चों, लेट थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स वन बाई टू। अब यहां उतर के बच्चों ये आ गया कोस थीटा, यहाँ वन बाय टू कोस थीटा, वन बाय टू किस कितने की वैल्यू होती है कोस में, कोस 60 डिग्री की वैल्यू, कोस थीटा कोस। अभी 60 डिग्री क्या होता है पाई बाई थ्री, रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो। अब यहाँ से थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स कोस पाई बाई थ्री, ठीक है बच्चों। अब यहाँ क्या मिल गया पाई बाई थ्री, थीटा की वैल्यू बिलोंग्स टू जीरो से पाई। पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो निकल गया आपके पास, ठीक है। देखो जीरो से पाई के बीच में बिलोंग करेगा, यहाँ लिख देना द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स वन बाई टू इज पाई बाई थ्री। बट अगर यही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव दिया होता, ठीक है बच्चों, तब क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे नेगेटिव दिया होता बच्चों, वन बाई टू, यहाँ के वन बाई टू, यहाँ माइनस के 60, यहाँ के माइनस के, ठीक है। इसके बाद में देखो यहां से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी नेगेटिव दिया होता तो सेम करना वही चीज है, कोस थीटा कोस माइनस के 60 डिग्री, फिर यहां से निकालते बच्चों कोस माइनस के पाई बाई थ्री कोस। अब देखो यहां से जब वैल्यू नेगेटिव आता है और कोस इनवर्स के हमारे पास रेंज क्या है, जीरो से पाई, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, तब हमें पॉजिटिव वैल्यू लाना है, तो क्या करना है इसको पाई में से लेस कर देना, पाई माइनस के पाई बाई थ्री, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास क्या पाई में से घट जाएगा। अब यहां से सोल्व कर दो, यहां से क्या मिलेगा थ्री थ्री में से वन यानी कि टू पाई बाई थ्री कोस थीटा, थीटा इक्वल टू क्या बच्चों कोस इनवर्स कोस टू पाई बाई थ्री, क्लियर है। यहां से कैंसिल हो जाता है, टू पाई बाई थ्री बिलोंग्स टू जीरो से पाई के बीच में, क्योंकि देखो टू पाई बाई थ्री कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, टू पाई बाई थ्री डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 अपॉन में पाई, पाई से पाई कट गया काट दो 120 डिग्री। अब यहां देखो पाई 180 होता है, तो जीरो से ज्यादा और 180 से कम में ये वैल्यू हमारे पास केस में लाई करता है। ये तो हमारे पास क्या कंडीशन है, कोस के लिए पॉजिटिव में दिया हूं और नेगेटिव में दिया, तो इस तरीके सेम कंडीशन कोट के लिए पॉजिटिव में दिया तो इससे पहले वाला और नेगेटिव में दिया तो यही करना है, फिर सेक के लिए भी नेगेटिव में दिया तो पाई यहां तक करने के बाद पाई में से ही लेस करना है, फिर उसके वैल्यू को पॉजिटिव में लाना है, क्लियर बच्चों। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के एक्सरसाइज के, ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो, ठीक है बच्चों, देखो कुछ अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी मैंने डिस्कस साइन इनवर्स का था वन बाय टू पे, ठीक है। अब मैंने सेकंड क्वेश्चन ले लिया कोस इनवर्स रूट थ्री बाय टू, और एक फोर्थ क्वेश्चन है साइन इनवर्स वन माइनस रूट थ्री, वन टू टेन क्वेश्चन सेम डिप्टो, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है और कंडीशन मैंने डिस्कस आपको कर दिया कैसे कैसे करना है। बट देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले लेट थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, ठीक है बच्चों। अब यहां से इधर आकर क्या बन गई है कोस थीटा रूट थ्री बाई टू, ठीक है बच्चों। अब यहां से उतर गया कोस थीटा, अब देखो यहां से क्या मिल गया, ये कोस कितने डिग्री वैल्यू होती है बच्चों, ये बताओ 60 पे होती है, कितने होते 30 पे होती है, कितने होते बच्चों रूट थ्री बाई टू, बताओ कितने डिग्री वैल्यू होती है, अभी टेबल बताया था, बताओ बच्चों, बताओ बच्चों, अभी टेबल बताया था कितने डिग्री वैल्यू होती है, टेबल बताया था ना जीरो वन टू से लेकर के कितने होती है बच्चों 30 डिग्री पे, यहां होती है बच्चों 30 डिग्री, यहां लिख लिया हमने क्या 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर क्या कर सकते हो बच्चों आपसे कोस थीटा, अब 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करूंगा रेडियन में, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों यहां पे पाई बाई सिक्स, कैसे पाई अपॉन में 180 इंटू में 30 डिग्री, यहां से काटोगे तो क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा। अब यहां उतर के बच्चों थीटा इज इक्वल टू इधर आकर के कोस इनवर्स कोस पाई बाई सिक्स, यहां क्या बच गया बच्चों पाई बाई सिक्स, थीटा इज इक्वल टू तो बिलोंग्स टू जीरो से पाई, यहां लिखना क्या द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स रूट थ्री बाई टू इज पाई बाई सिक्स, क्लियर। इस तरीके से ऐसे आपके पास टेन का करना है, ठीक है, तो टेन वाला कैसे करोगे,
नोट कर लेना इसको बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों क्या करोगे यहां से, लेट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट थ्री, उतर गया बच्चों टेन थीटा माइनस के रूट टेन थीटा, ये वैल्यू कितनी होती है बच्चों हमारे पास है 60 डिग्री पे, ठीक है। टेन थीटा टेन इनवर्स टेन कहते माइनस के पाई बाई थ्री, थीटा इक्वल टू इधर आकर के टेन इनवर्स टेन माइनस के पाई बाई थ्री, क्लियर बच्चों। यहां से उतर के माइनस के पाई बाई थ्री बिलोंग्स टू, अब टेन के लिए क्या होता है देखो, माइनस के पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू के बीच, यहां लिख देना द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री इज माइनस के पाई बाई थ्री, क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, ठीक है। अब देखो फाइंड द वैल्यू, इनकी वैल्यू निकालना है, जैसे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू निकालना है प्लस कोस इनवर्स माइनस 1 बाई 2 की प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 की वैल्यू निकालना है। तो ये सबसे पहले क्या करें, तीनों के प्रिंसिपल वैल्यू निकालो फिर तीनों के एड कर दो। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं करना है तो आप इसको अलग अलग लेते भी कर सकते हो। जैसे कि यहां से पहले ले लो लेट, इसका निकाल लो थीटा इक्वल टू में एक्स वाई जेड ले लेना, जैसे एक्स ले लिया एक्स इक्वल टू में टेन इनवर्स वन, अब इधर क्या बन गया बच्चों यहां से टेन एक्स वन टेन एक्स, अब ये क्या वैल्यू होती है बच्चों टेन 45 डिग्री टेन एक्स और टेन ये हो गया पाई बाई फोर, तो एक्स इजिकल टू बच्चों यहाँ पे टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, यहां से कैंसिल हो गया क्या बच्चे बच्चों पाई बाई फोर, ऐसे यहां ले लो बच्चों। नाउ कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू इजिकल टू में वाई इजिकल टू में ले लिया, इधर उधर के बच्चों कोस वाई माइनस के वन बाई टू कोस वाई कोस माइनस के 60 डिग्री, यहाँ उतर के बच्चों कोस माइनस के पाई बाई थ्री, बट कोस है नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लाना है, तो क्या कर दो बच्चों पाई में से इसको पाई बाई थ्री को लेस करना, तो यहाँ उतर के बच्चों कोस टू पाई बाई थ्री, ठीक है। यहाँ उतर गया कोस वाई, वाई इजिकल टू बच्चों कोस इनवर्स कोस टू पाई बाई थ्री, यहाँ से क्या मिल गया बच्चों टू पाई बाई थ्री। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर ले लो ये साइन के लिए जेड इजिकल टू में साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, यहाँ उतर गया साइन जेड माइनस के वन बाई टू साइन जेड साइन माइनस के 30 डिग्री साइन माइनस के पाई बाई सिक्स साइन जेड, जेड इजिकल टू इधर आके बच्चों साइन इनवर्स साइन माइनस के पाई बाई सिक्स, यहां से कैंसिल हो गया माइनस के पाई बाई सिक्स, क्लियर बच्चों। नाउ अब क्या करें, तीनों को जोड़ दे, यहां जोड़ देता बच्चों, ठीक है। यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की वैल्यू क्या निकाला बच्चों यहां पे देखो पाई बाई फोर, यहां ले लिया पाई बाई फोर, प्लस वाई की वैल्यू क्या निकालो बच्चों टू पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री, जेड की वैल्यू क्या निकालो बच्चों माइनस के पाई बाई सिक्स। अब यहां से एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम क्या है बच्चों 12, क्या है बच्चों 3 पाई प्लस 4 तो 8 पाई माइनस में 2 पाई, 3 और 8 11, 11 पाई में से 2 पाई गया 9 पाई बाई 12, काट दो इसको बच्चों 3 4 तो कितना गया बच्चों पे 3 पाई बाई 4, ये आंसर आ गया, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, ठीक है। अभी मैंने देखो कोस इनवर्स 1 बाई 2 और साइन इनवर्स 1 बाई 2 की वैल्यू मैंने पहले डिस्कस करके निकाल कर, अब यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे कि कोस इनवर्स 1 बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 60 डिग्री को होता है, 60 को होता है इसका पाई बाई 3, ठीक है, प्लस 2 इंटू में इसका भी क्या होता है पाई बाई 6 पे आता है, यानी कि 30 पे, काट दो यहाँ से 3 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, क्या गया इसमें ले लो पाई प्लस में पाई यानी कि 2 पाई बाई 3, ये आंसर है, क्लियर बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ दे रखा है साइन इनवर्स वाई इक्वल टू देन, अब साइन इनवर्स एक्स के रेंज बताना है, तो रेंज में देखो बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, बट यहाँ ब्रैकेट लगा रखा मैंने, क्या लगा, क्लोज इंटरवल, क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज में हमारे पास इक्वल टू के सिंबल भी आता है। यहाँ दे रखा देखो जीरो से पाई ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बट ये और ये देखो ध्यान से, यहाँ दे रखा वाई की वैल्यू हमारे पास क्या, माइनस पाई बाई टू से ज्यादा उसके बराबर और पाई बाई टू से कम उसके बराबर, यहाँ इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन लेस देन है, तो ये वैल्यू हमारे पास माइनस पाई बाय टू भी आ सकता है, पाई बाय टू भी आ सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या है बच्चों, आंसर नंबर बी। क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर टॉपिक समझ में आया हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।